हेलो दोस्तों, आज से हम चालू कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जो कि डॉक्टर आर एस अग्रवाल द्वारा लिखित है। आइए इसके हम प्रश्न देखेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम उनको किस तरह से करते हैं। आज हम चैप्टर करने वाले हैं अनुपात तथा समानुपात। तो अनुपात और समानुपात क्या होता है, हम उसको समझेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, ए तथा बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं तथा इसे लिखते हैं ए अनुपात बी। जो हमारे जो डबल डॉट लग रहे हैं ए और बी के बीच में, हम इसको क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इसी का सेकंड पॉइंट पढ़ें तो ए अनुपात बी में ए को हम प्रथम पद तथा बी को हम द्वितीय पद कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखें, किसी अनुपात के प्रत्येक पद को एक ही अशून्य संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता है। जैसे हम देखें उदाहरण, ए अनुपात बी बराबर एम ए अनुपात एम बी इज इक्वल टू ए अपॉन एम अनुपात बी अपॉन एम, जहाँ पे एम इज इक्वल टू नॉट जीरो। ऐसे ही अगर हम नंबरों की सहायता से एग्जांपल देखें तो 15:20 बराबर 15/20, इसको हम काट दें पास से तो हमारा आएगा 3/4। इसमें हमें कोई भी अंतर नहीं आया, हमने इसका छोटा रूप निकाल लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पॉइंट, जिसमें हम समझते हैं समानुपात क्या होता है। तो दो अनुपातों की बराबरी को ही समानुपात कहते हैं। जैसे 3:5 बराबर 6:10 को लिखते हैं 3:5, और जो डबल डॉट लग रहे हैं जैसे डॉट डॉट और डॉट डॉट, इसको हम बोलते हैं समानुपात। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 3:5 समानुपात 6:10। आइए इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो ए तथा डी को बाहरी एवं बी तथा सी को माध्यमिक राशियां कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी सदैव सत्य होगा। बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल। तीसरा पॉइंट, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, जो कि समानुपात हो जाएगा ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। चौथा पॉइंट देखें तो ए बी ग्रेटर देन सी अपॉन डी हो तब हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी ग्रेटर देन सी अनुपात डी। अब हम तीसरा पॉइंट देखें, दो राशियों ए तथा बी का माध्य अनुपात अंडर रूट में ए बी। चौथा पॉइंट देखें तो ए बी सी का चतुर्थांश अनुपात एक्स हो तो हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। इनको आप ध्यान से समझें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बच्चे अक्सर इनमें ही गलतियां करते हैं। पांचवा, ए तथा बी का तृतीय अनुपात तब एक्स हो तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। इसको ध्यान से देखें, इसमें जो हमारा दूसरा अनुपात होता है इसको ही हम द्वितीय और तृतीय अनुपात मानते हैं, और जबकि हम तृतीय अनुपात निकालने वाले हैं उसको हम चौथा अनुपात मानते हैं, जो कि हमने देखा एक्स। अब देखेंगे सिक्स, ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात क्या होगा। अब मिश्र अनुपात देखें तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ए का गुणा सी के साथ और बी का गुणा डी के साथ करते हैं, इस तरह से हमारा मिश्र अनुपात निकल आता है। अगला पॉइंट देखेंगे सेवन, तो 7, 8 ये वाले जो दो पॉइंट हैं ये हम आपको एक्सरसाइज के साथ ही समझाएंगे कि किस तरह से करते हैं। इसमें थोड़ा डिटेल में दिया है, पर हम इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से सवालों के साथ समझाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे नौवां पॉइंट, जो क्या दे रखा है, समानुपाती। तो समानुपाती क्या होता है, यदि एक्स बराबर के वाई हो जहाँ के एक अचर राशि है तब हम कह सकते हैं कि एक्स वाई का समानुपाती है, इसे लिखते हैं एक्स समानुपाती वाई। लास्ट 10वां पॉइंट है विलोमानुपाती, ये क्या होता है इसको समझेंगे अच्छे से। यदि एक्स बराबर के अपॉन वाई हो जहाँ के एक अचर राशि है तब हम कह सकते हैं कि एक्स वाई के विलोमानुपाती है, इसे लिखते हैं एक्स विलोमानुपाती 1/y। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विलोमानुपाती क्या होता है। आइए अब हम सवालों को देखेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर
पाँच अनुपात सात दे रखा है और ए बराबर 185 दे रखा है तो बी का पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, तो ए बराबर 5x लिख लेंगे, ऐसे ही हम बी बराबर 7x लिख लेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ए अनुपात जो कि हमें दे रखा है ए बराबर 185, तब हम ए का जो अनुपात दे रखा है 5x बराबर 185 लिखेंगे और x अब 5 से 185 को काटेंगे तो 37 फर्क कटेगा, x बराबर हमारा 37 आंसर आएगा। इस x बराबर आंसर जो आया है हम b के मान में रख देंगे तो वहाँ पे क्या है 7x है, वहाँ पे 37 गुणा 7 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे जब तो हमारे केस में आया 259 आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 दे रखा है, तब ए सी का अनुपात पूछ रहा है, तब हम इसको किस तरह से करेंगे देखते हैं। ए बराबर हम मान लेते हैं 3 है और b बराबर 4 है, ऐसे ही बी बराबर दूसरे में दे रखा 8:9 और सी का दे रखा 9:9, तब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम इनको लिखेंगे जब ए बी सी ये अनुपात में लिख लेंगे हम और इनके नीचे जो जो दे रखे हैं वो लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और बी के नीचे 4, फिर 4 के नीचे फिर बी के नीचे 8 और फिर 9। अब इनका क्या करेंगे, 4 का गुणा 9 से करेंगे और 8 का गुणा 4 में और इसका इसमें, तो देखो कितना आ जाएगा 36, 32 और 8 24, तो हमारा आंसर आ गया 24। अब इनको हम काट देंगे तो 4 के पार से काटते हैं तो 6 6 24, 8 6 32 और 9 बार ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 8 9। और इसके अलावा जो अब वो पूछ रहा है ए और सी का पूछ रहा है, तो ए और सी का निकालेंगे तो क्या आएगा 6:9, तो अब इसको अभी और काटते तो अभी ये कट जाता। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात बराबर सी, इसको भी 4 का गुणा 9 से और 8 का गुणा 4 से और 8 का गुणा 3 से, तो सेम वही आ जाएगा 24 32 36, 4 से काट देंगे 6 8 9 और यही हमारे रेशियो हैं जो कि करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल करें तो ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 5:7, ऐसे ही सेम सवाल ही है, सेम करेंगे तो 7 5 7 और 7 का गुणा 11 से करेंगे तो 77 और इसका करेंगे 7 46 और इसका 30, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऐसे ही सेम सवाल दे रखा है, ऐसे करेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये देखना है कि सी और डी का रेशियो और दे रखा है, तो हम इसको ए की लाइन में लिख लेंगे ए बी सी डी, तब हम इसको करेंगे 8 15 और ऐसे लिख लेंगे। अब इसका क्या होगा, या तो आप इनको बराबर कर लो सबको तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, या फिर हम इसको अलग तरीके से आपको बता देंगे तो उससे भी हमारा आंसर सही आ जाएगा। 8 को गुणा इसमें करेंगे तो 8 24 और इसको भी नीचे करेंगे तो 6 6 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये भी कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे 15 ऊपर दे रखा है बी का और नीचे 5 दे रखा है, 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसको अगर हम एक बार में करेंगे तो 3 और 6 से गुणा करके हमारे इसी बराबर हो जाएंगे, तो 8 15 24 30 रेशियो आ जाएंगे। इसको हम ए और डी के देखेंगे तो 8 30 और इनको काट देंगे तो हमारे आ जाएंगे 4 15। अगला सवाल देखेंगे, ए अनुपात बी दे रखा है और ये भी हमारा सेम पिछले ऐसा ही सवाल है, फटाफट से करेंगे देखेंगे कौन इसका आंसर निकाल पाएगा। चलिए आप जल्द से जल्द करें इसको सवाल को, तो सेम करेंगे 1 3 लिख लेंगे, फिर 5 7 लिख लेंगे और फिर लिख लेंगे 9 7। अब हम इसको अलग तरीके से करने वाले हैं, 7 जैसे ये दे रखा है 7 को आगे बढ़ा के 7 लिख देंगे, 3 को बढ़ा के 3 लिख देंगे और आगे बढ़ा देंगे, ऐसे इसको 9 को बढ़ा देंगे, ऐसे 5 को बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, इन सब का आपस में गुणा कर देंगे, इन सब का जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 7 का 7 में और इसका इसमें करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 147 आ गया है। ऐसे ही अब इनका करेंगे तो 7 21 और ये 9 और ये 18, 189 आ जाएगा हमारा, 189 आ गया। ऐसे इनका करेंगे तो 27 और 5 और इसका करेंगे 135 आ गया, ऐसे इनका कर देंगे तो 9 45 आ गया। तो आप इनको एक और बार काट देंगे, 3 के पारे से हम इन सबको काटेंगे तो हमारे रेशियो एकदम परफेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा मैच नहीं हो रहा आंसर क्या है। तो जब इनको काटेंगे 3 से तो यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा हमारा 45 और 63 और 49, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। सवाल देखेंगे, ये थोड़ा अलग आ गया है सवाल, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ए अनुपात बी और बराबर दे रखा है 1:2:3:8, ऐसे ही आगे दे रखे हैं, तो इसको कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही उतार लेंगे हम सवाल को। तो तब हम देखेंगे ए अनुपात बी दे रखा है, इसको लिख लेंगे 1:b बराबर, ऐसे इनको लिख लेंगे 1:2:3:8, आपको बताइए पहले का लास्ट वाले का पहले से और दूसरे का
तीसरे का दूसरे से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार काट देते हैं तो 4/3 हमारा रेशियो बन जाएगा। ऐसे ही आगे वाले रेशियो बना लेंगे तो देखेंगे 1/3 और इसी के नीचे ले गए 5/3, 3 से 9 को काटेंगे, 3 बार काट देंगे, 3 को जब ऊपर गुणा होगा तो 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी और सी के भी हमें अनुपात मिल चुके हैं। अब हम निकालेंगे सी और डी के, तो इसको भी सेम ऐसे कर लेंगे, डी सी अपॉन डी और बराबर 5/6 और 3/4, और इनको काट देंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, जब इसको गुणा करेंगे तो अभी 10/9। तब अब हम इसको बिल्कुल सेम वैसे करेंगे जो अभी तक हम करते आए, ए बी सी डी के अनुपात निकालेंगे, और यहाँ पे हमें क्या अनुपात रखें, 4/3 और 3/5, और इधर हमें क्या रखें, 10/9। इसको फिर से हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे 5 कर देंगे, और 3 को बढ़ाएंगे 3 लिख देंगे, 10 को बढ़ाएंगे 10 लिख देंगे, इधर भी 10 लिख देंगे और इधर 3 लिख देंगे। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 135, और इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 150, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 90, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर है 120। अब हम इनको थोड़ा काटेंगे तो हमारा आंसर फिक्स सही आ जाएगा, तो इसको काट देते हैं, इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 24, और इसको काटेंगे तो 18, और इसको काटेंगे तो 30, और इसको काटेंगे तो 27। अब इनको हम फिर से काट देंगे, 3 से काट देंगे तो, और फिर से 3 से काटेंगे तो 3 को 24 काटेंगे तो 8, और 3 को 18 से काटेंगे तो 18 को 3 से काटेंगे तो 6, और 10 और 9, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला सवाल, जिसमें देखा ए अनुपात बी अनुपात सी, जिसमें बराबर 2:3 दे रखा है, तो हम इनको डायरेक्ट लिखेंगे, एक की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, और बी की जगह पे 3, फिर से सी की जगह पे 4, और सी की जगह पे 4/2। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या हम इनका एलसीएम लेके भी इसके रेशियो फिक्स कर सकते हैं। तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा 12 अंश एलसीएम आ जाएगा। अब 12 एलसीएम आने से हम इनका गुणा कर देंगे तो 3 का 4, 12 में 4, 4 2 8, और 4 3 9, और इसका देंगे तो 6 6 24, तो हमारे रेशियो फिक्स करेंगे 8 9 24, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जिसमें दे रखा है 2a/3b/4c, जिसमें ए बी सी के अनुपात पूछ रहा है, तो सिंपल सा है, ए अनुपात बी करेंगे बराबर 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3b/4c, जिसमें हम कर लेंगे b/c = 4/3। अब इसके हम जैसे हम रेशियो बनाते हैं वैसे करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो जो ए के रेशियो क्या है 3, और बी का 2, और इसमें क्या दे रखा है, बी का 4, और इसका दे रखा है 3, तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे, या इसके लिए बराबर करने के लिए हम ऊपर वाले में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो नीचे का 3 4, और ये 6, तो हमारे रेशियो होंगे 6 4 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, इसमें दे रखा है 3/b/4/c/5, तो हम इसको करेंगे लिखेंगे 3/b/4। अब इनके रेशियो बना लेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें 3 आ जाएगा और 3 उधर पहुंच जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। ऐसे ही सेम आगे करेंगे तो 4 और 5, इसको जब हम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, 4/5, अनुपात अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे 3 और 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से 5, तो यहाँ पे बीच वाला हमारा बराबर है, तो इसमें हम बराबर करेंगे नहीं, तो हम कह लेंगे 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर हमारा मैच कर रहा है, हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखें तो a/b/3 तथा b/c/2 दे रखा है, तो हम इसमें रेशियो निकालेंगे, तो फिर से हम ऐसे कर लेंगे, a/b/1/3 हो जाएगा, इस तरह से ही b/c/2 दे रखा है, तो इसको करेंगे b/c/1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा हमारा। अब हम इसको रेशियो बनाएंगे तो हमारे a अनुपात b अनुपात c, तो एक कितना है हमारा 1, और b कितना है यहाँ पे 3, फिर से b कितना है हमारा 1, और यहाँ कितना है 2,
हमें भी बराबर करना है, तो हम इसमें एक में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा बराबर हो जाएगा बी का ऊपर और नीचे। तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो हमारा 1 3 6 रेशियो आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बोला है ए का 15% बराबर बी का 20% है, तो ए और बी का रेशियो पूछ रहा है, तो हम इसका करेंगे ए गुणा 15/100 बराबर बी गुणा 20/100। 100 से 100 काट दो, या हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं 0 से 0 ऊपर नीचे काट दें, तो और यहाँ से इस तरह से हम इसको काट देंगे, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अनुपात यहाँ पे हमारा ए का अनुपात आ जाएगा 4 और बी का अनुपात आ जाएगा 3। अगला सवाल दे रखा है 0.6 into A बराबर 0.09 into B। अब इसके रेशियो निकालेंगे, तो हम निकलेंगे इसको 6/10 गुणा ए बराबर 9/100 बराबर गुणा बी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से जीरो कट जाएगा हमारा, तो इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट कैसे लेंगे ए ए और बी को इधर ले आएंगे, तो ए बटे बी बराबर 9 और ये 6 इधर आ जाएगा, इसको जब हम काट देंगे तो 3/20 हमारा आंसर आ जाएगा। 3/20 को हम ले सकते 3/20, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, जिसके हमें अलग से ही रेशियो दे रखे हैं। हम लिखेंगे 1/x बराबर 2, जब हम इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 1/2, ऐसे ही करेंगे 1/y बराबर तो क्या हो जाएगा 1/3 और 1/z बराबर हो जाएगा 1/5, इसका जब हम लासा ले लेंगे तो लासा आएगा 30 और 2 से भाग देंगे तो 15 और 3 से देंगे तो 10 और 5 से देंगे 6, तो हमारे रेशियो आ जाएंगे 15 10 6 15 10 6, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 एक्स अपॉन 5 बराबर वाई अपॉन 8 दे रखा है, तो सॉल्व करवाए एक्स प्लस 5 अनुपात वाई प्लस 8 का क्या होगा, तो हम लिख लेंगे एक्स अपॉन 5 बराबर वाई अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 5/8, तो हम मिल गए एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 8, तो इसी का हम मान उसमें रख देंगे। जब हम उसमें रखेंगे तो एक्स प्लस 5 और वाई प्लस 8 में इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5+5 और इधर हो जाएगा हमारा 8+8, तो इनको जब जोड़ देंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 10 और इधर आ जाएगा हमारा 16। 16 और 10 को जब हम काट देंगे तो हमारे रेशियो बन जाएंगे 5 और 8 के, 5 और 8, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे 2 की 4 जो है वो 2 का वर्ग हम जब करेंगे तो 2 की घात 2 करके हम क्या करेंगे उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 में, जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 7, 2 की घात 7 हो जाएगा और इधर अनुपात मुझे रखा है 2 की घात 5, और ये देखें तो ये भाग में ही है, जब भाग में होती है तो घातें आधर बराबर हो तो घातें घट जाती है, तो हम इसको कर देंगे 2 की घात 7 - 5 और नीचे बचेगा सिर्फ 1, और जब ऊपर लटाएंगे तो 2 की पावर 2 और नीचे बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा 4/1, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्स अनुपात वाई बराबर 3/4, तो सेम पिछले सवाल के जैसा ही है, हम यहाँ पे एक्स वाई के मान पहले से दे रखे हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे, तो 7 × x है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स का मान 3 है तो 21 हो जाएगा हमारा, तो हम इसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे 7 21 हो जाएगा और ये 8 3 4 12 हो जाएगा, ऐसे ही ये हमारा 21 और ये 12, तो यहाँ पे हमारा प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो यहाँ हम इसको प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसको काट देंगे भी कट जाएगा, तो इसको काटेंगे 11 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18, तो 18 क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है अच्छे से देखेंगे और ध्यान से समझिए सब क्वेश्चन को, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया, आप हमें बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 रखा है 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर में भी इनके अनुपात दे रखे हैं, तो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं तो ध्यान से देखेंगे। 5:1 दे रखा है तो हम इसको पहले तो अनुपात में हम जैसे सवाल दे रखा है वैसा उतार के आपको बता रहे हैं कि इस तरह से उतार लेंगे और हम फिर इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो 3a प्लस 5b अब इसको हम क्या करेंगे अनुपात में लिख के बट्टे में लिखेंगे, बट्टे में लिख देंगे तो 3a माइनस बी हो जाएगा बराबर 5/1 हो जाएगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जिसमें 3a में करेंगे तो यही आ जाएगा 3a प्लस 5b और इसमें हम पास करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15a हो जाएगा माइनस और 25b हो जाएगा, तो 25b हो जाएगा यहाँ पे। अब जब हमको क्रॉस करेंगे जैसे हम a को एक तरफ लेके जाएंगे और b को एक तरफ लेके जाएंगे तब हम 3a को इधर ले आएंगे तो हमारा इधर क्या बचेगा 12a बचेगा और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये हमारा 30 हो जाएगा, 30b हो जाएगा। जब हम ए बी के रेशियो निकालेंगे और या हम इसको यहाँ पे काट दें तो 6×12 और 6×30 काट देंगे तो ए और बी के रेशियो जब हम निकालेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे ए बराबर 5 और बी बराबर हमारा 2 हो जाएगा, तो हमारे 5:2 रेशियो आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें क्या दे रखा है 7:x समानुपात 17.5/22.5 दे रखा है, तो ये तो बहुत इजी है। हम इसको क्या करेंगे 7/x रखेंगे और समानुपात का जो हमने तुम्हें आपको बताई दिया है क्या होता है मतलब बराबर होता है, इसका क्या मतलब होता है बराबर होता है, तो इसको हम करेंगे। तो एक बार हम आपको उतारते हैं सवाल को, जैसे सवाल को उतारने से हमें क्या होता है सवाल अच्छे से समझ में आता है। तो 7/x बराबर 17.5/22.5 लिखेंगे हम और देखेंगे कौन से पॉइंट हमारा कट जाएगा, और 17 से हम क्या करेंगे 175 को जब हम काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7×14 और 7×35 तो 225 आ गया ऊपर हमारा आंसर और नीचे 125 दे रखा है, जब हम इसको 25 से काट देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 9, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है सेम क्वेश्चन है लगभग, तो 0.4:1.4 समानुपात 1.4:x, तो यहाँ पे हमसे चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है या चतुर्थ पूछ रहा है, तो हम फिर से इसको अब हम डायरेक्ट करेंगे तो बट्टे में रख के कर देंगे तो 0.4:1.4 समानुपात 1.4:x, तो हम क्या करेंगे 0.4:1.4 = 1.4/x, तो कौन से पॉइंट हटा देते हैं और 4 से हम पहले 2 से 4 को काटते हैं और इसको भी काट देते हैं और हम 2 से इसको भी काट देते हैं तो हमारा x बराबर आंसर आ जाएगा 49, लेकिन आंसर पॉइंट में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 जो तिरखा 1/x, 1/5 x, 1/1.25, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे बट्टे में करके, पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे फिर अब देखेंगे 1/5 × 1/x = 1/x / 1/1.25, अब उनका चौथे का पहले से और दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा x/5 और इधर क्या आ जाएगा 1.25/x, x x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और इसका जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 हो जाएगा और ये हमें पता है 625 किसका वर्ग होता है तो ये 25 का वर्ग होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x = 2.5।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 2.5 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, चूंकि दीर्घा 0.75 अनुपात एक समान अनुपात 5:8, तो इसको हम लिखेंगे। तो फिर से हम इसको सेम सवाल पीछे जैसे ही, ये तो बहुत आसान होंगे आपके लिए, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं, इन्हें तो आप मात्र 10 सेकंड में करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल हैं, इनमें अगर आप टाइम लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी, इसलिए इनको अच्छे से अच्छे करें। तो हम इसको लिख लेंगे 0.75/x बराबर 5/8, तो 5 से हम 75 को काट देंगे तो हमारा कट जाएगा ये 1 और 5, तो 0.15। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15×8=120, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 1.2 इज़ द करेक्ट आंसर।